आप जानते हैं कि दक्षिण दिल्ली में मौर्य साम्राज्य की एक निशानी आज भी मौजूद है? ये निशानी मौजूद है ईस्ट ऑफ कैलाश कॉलोनी के नजदीक मौजूदा बहापुर गांव में, जहां आपको बड़े पत्थरों के ऊपर कंक्रीट से बना छज्जा दिखाई देता है। इसके अंदर आपको एक शिलालेख मिलता है, जिसमें हमको मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट अशोक के गौरवशाली इतिहास की झलक देखने को मिलती है। ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं कि यह अशोक के धौली, गिरनार और सोपारा के महत्वपूर्ण शिलालेखों की तर्ज पर बनवाया गया था। ईसा पूर्व में कलिंग के युद्ध के बाद जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की राह अपनाई, तो उस दौरान उन्होंने अपने साम्राज्य के अनेक कोनों पर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में स्तंभ, स्तूप, चैत्य आदि का निर्माण करवाया था, जिसमें यह शिलालेख भी शामिल था। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश कॉलोनी में यह लघु शिलालेख यहाँ इसलिए बनवाया गया था क्योंकि यह स्थान उत्तरापथ पर मौजूद था, जो आज ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा है। प्राचीन काल में यह रास्ता दिल्ली और पेशावर को बंगाल के बंदरगाहों से जोड़ता था, जो व्यापारिक और सामरिक दोनों रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण था। गौरतलब है कि दिल्ली में सम्राट अशोक की निशानियां हमें दो और जगहों पर भी देखने को मिलती है, जो फिरोज शाह कोटला और बड़ा हिंदूराव अस्पताल में स्थित स्तंभों के रूप में मौजूद है। मगर यहाँ इस बात का अंतर है कि इन स्तंभों को तीसरे तुगलक सुल्तान फिरोज शाह तुगलक सन 1356 में तोरना से दिल्ली लाए थे, लेकिन ईस्ट ऑफ कैलाश कॉलोनी में स्थित ये शिलालेख यहाँ शुरुआत से ही मौजूद है। शिलालेख का मुख्य क्षेत्र आज लोहे की बनी जाली से घिरा हुआ है। ये शिलालेख 10 पंक्तियों के ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें दर्ज अक्षरों की लंबाई करीब 5 सेंटीमीटर है। इस शिलालेख में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म से अपने लगाव के बारे में वर्णन किया है और अपनी प्रजा से धर्म के पथ चलने का अनुरोध किया है। ये शिलालेख आम लोगों की जानकारी में तब आया जब 26 मार्च 1966 को दिल्ली के किसी कॉन्ट्रैक्टर को एक कॉलोनी के निर्माण के दौरान ये शिलालेख दिखाई दिया था। उसके बाद ये कई पुरातत्वविदों के शोध का केंद्र भी बना। आगे चलकर यहाँ पर कई बौद्ध श्रद्धालु भी आने लगे और जो आज भी यहाँ आते हैं, जिसका सबूत इसके नीचे मौजूद बड़े पत्थरों पर दर्ज नामों से मिलता है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ एक उद्यान और आम लोगों के लिए सैर करने के प्रबंध किए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश अब ये असामाजिक तत्वों का शिकार बन गया है और माहौल में सुधार के लिए गुहार लगा रहे हैं।